लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो, शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरे जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाव बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था, तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए, ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है, कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल लोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, और एक खतरा भी हो सकता है, जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है, मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा? अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा, और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, प्याज ही नहीं मुझे भूख भी लग रही थी, अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका।
तुम इंसान लोग हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो। ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो, अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेके जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहा कर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है, आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। कौवा और कबूतर बने शेर के मंत्री। एक जंगल के राजा शेर बना, उसकी मंत्री कबूतर को चुन लिया गया। वो कबूतर बहुत अच्छा था, ऊपर से बाकियों की मदद करने हर समय तैयार रहता था। उस जंगल के पास एक छोटा गांव था। उस गांव में एक बड़ा किसान रहता था। बेचारा बहुत कर्ज में डूब गया। एक दिन वह किसान पास के शहर में जाके कुछ काम करके पैसा कमाने की सोचा। इस गांव से शहर जाने के बीचों बीच के जंगल के रास्ते से चल पड़ा। इतने में उड़ती हुई मंत्री कबूतर उसके सामने आया। ध्यान से, आगे आगे बहुत जंगली जानवर है, आप जल्दी से पीछे मुड़ जाइए, नहीं तो आपके प्राण मुसीबत में पड़ जाएंगे। वह वापस नहीं जा सकता करके उसकी परेशानी कबूतर से कहा। उस किसान के कष्टों को देख कबूतर पिघल गया। उसको महाराज शेर के पास ले जाकर मदद करने को कहा। उसकी स्थिति देख धरस खाके शेर ने भी पैसे सोना पोटलिया दिए। तुम्हें आगे आगे किसी भी तरह की छोटी सी भी कष्ट हो तो निर्भय होकर मुझसे मिलो, मैं जो होगा वो मदद करूँगा। उस बहुत कीमती पोटलियों को देख वह किसान बहुत खुश होकर वापस उसके गाँव चल पड़ा। ऐसे समय बीतता गया, उस किसान के पास का पूरा धन खत्म हुआ। वह फिर से शेर को मदद मांगने उस जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार जंगल में बहुत सारे परिवर्तन थे। कबूतर के बूढ़ा होने के कारण उसके स्थान पर कौवा मंत्री बना। कौवे ने किसान को देख तुरंत शेर को शिकार करने को कहा। उसकी आवाज सुनते ही शेर तुरंत पंजा लड़ाते हुए उस किसान को पहचान कर रुक गया। अच्छा, तो तुम हो,
मंत्री ये हमारा शत्रु नहीं मित्र है। इन्हें हम पहले ही दन देके मदद कर चुके। महाराज अतीत की बात और अब की बात अलग है। अगर आपके मदद करने पर भी कल ये फिर आ जाएगा। ऊपर से इसका और हमारा मित्र जात है ही नहीं, अलग जात है। इस पर अभी इसी क्षण पंजा लड़ाकर इस जंगल को बचाना ही राजा का धर्म है। कवे की बातें सही लगने से एक क्षण भी ना सोचते हुए शेर गरजते हुए उस किसान पे उछल पड़ा। इस कहानी की नीति यह है कि हमारे आसपास के लोग जैसे ही हमारी सोच होती है। शेर कबूतर के साथ था तो उस किसान को अच्छा किया, पर कौवे के कारण कष्ट पहुँचाया। इसीलिए हमें कभी भी अच्छे लोगों से मित्रता करने से ही अच्छा नाम मिलता है।